हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लेखपाल का रिजल्ट आ गया है। जितने भी अभ्यर्थी जो है, जितने भी हमारे मित्र जो ने एग्जाम दिए हुए थे, वो जा करके रजिस्ट्रेशन जो है वेबसाइट पर जा करके रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर डाल करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सभी मित्रों को अग्रिम शुभकामनाएं। सभी जितने मित्र हमारे सिलेक्ट हुए हैं, जो मित्र नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं, एक दो नंबर से रुक गया है उनका डीबी में, तो जो है मेहनत करिए, कोई बात नहीं है, मेहनत करिए, सिलेक्शन कहीं ना कहीं जो है आपको जरूर मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2015 में अंकित सर का चयन हुआ था डीबी के लिए, इंटरव्यू में गए हुए थे, तो इस बार भी जो है डीबी के लिए अंकित सर को बुलाया गया है। और जो जैसे कि आप लोग जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी वेटिंग लिस्ट में है, तो सर को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जो है आप लोगों की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आप इसमें आप देख सकते हैं कि जो लोग कितने लोगों को बुलाया गया है, तो आपको कितने लोगों को बुलाया गया है, सभी लोग कुल कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, 27,455 जो है लोगों को बुलाया गया है। अब इसमें कट ऑफ देख सकते हैं आप, कट ऑफ इसमें कितना गया है, आप देख सकते हैं कट ऑफ कितना गया है। देखिए, अनारक्षित का कितना गया, 75.75% गया है। जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का 75.75, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का कितना गया है, 75 गया है। जो है देखिए कितना जो है अंतर, तीनों में कोई अंतर नहीं, जो है सेम गया है, और इसका देख रहे हैं आप लोग। और इसके बाद महिला वालों में देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इसका देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से तैयारी करिए, कोई बात नहीं है। जिनका नहीं हो पाया है तो ये मत निराश मत होइएगा कि आप बेकार हैं, कहीं ना कहीं जो है आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये अपने आप पर विश्वास रखिए और मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के लिए दोबारा से आप लोगों के लिए डीबी के लिए फाइनल आप लोग सिलेक्ट हों, ये कामना हम बाबा विश्वनाथ की नगरी से करते हैं, काशी से करते हैं। ठीक है, और अपने परिवार में खुशियाँ जरूर आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।